हेलो बच्चों, आज के टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये टॉपिक क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 है और इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले सिखाने वाला हूँ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन समझने के लिए हमें दो बातें सबसे पहले समझनी होंगी और वो दो बातें क्या हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अगर फिजिकल और केमिकल चेंज हम समझ लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले जानते हैं ये फिजिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए इस डेफिनेशन को, उसके बाद मैं प्रयोग द्वारा आपको सिखाने वाला हूं इसको। इसमें लिखा हुआ है सच प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, यानी ऐसे पदार्थ ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। दोबारा समझिए, सच प्रोसेस ऐसी विधि इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, जिसमें किसी प्रकार का नया सब्सटेंस नया पदार्थ नहीं बनता है, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। बात समझ में आ रही, ऐसी विधि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि केमिकल चेंज होता है कि केमिकल चेंज नहीं होता है, मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। देखिए आपके सामने मैंने ये लिया एक गिलास, राइट, मैं यहाँ इसे रखता हूँ और इसमें मैं कुछ आइस के टुकड़े आपके सामने डालता हूँ। ये रहे कुछ आइस के टुकड़े, देखिए इसमें मैंने कुछ आइस के टुकड़े डाल दिए। देखते जाइए ध्यान से, ये आइस के टुकड़े हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ये आइस का टुकड़ा है, ये आइस है, ये आइस है, ये मैंने इसमें बहुत सारे आइस के क्यूब्स डाल दिए। ये आप घर पे करके देख सकते हैं, ये आइस है, इसके अंदर ये आइस के टुकड़े हैं। अगर ये आइस के टुकड़ों को मैं अब कुछ ही देर के लिए यहाँ पर रखा रहने दूंगा तो ये आइस के टुकड़े काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी में बदल जाएंगे। तो ये आइस के जो टुकड़े आप देख रहे हैं, ये आइस का फॉर्मूला भी H2O है और जब ये पानी में बदल रहा है धीरे धीरे तो वाटर का फॉर्मूला भी H2O है। तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ इसमें? ये फिजिकल चेंज है, यानी इसमें लिख रहे हैं सच प्रोसेस इन विच, ऐसी विधि जिसमें नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ये बात आपको क्लियर हुई। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। मेरे पास है ये एक गिलास वाटर, ये मैं यहां पर रख देता हूं आपके सामने, ठीक है। अब इसमें मेरे पास एक प्लेट है, इसमें शुगर है, आप देख लीजिए ये शुगर है। इसमें मैं शुगर डाल देता हूँ एक चम्मच, देखिए एक चम्मच मैंने इसमें शुगर डाल दिया, ओके। बस इसके बाद में मैं इसको स्टायरर करूँगा, ऐसे घोल दूंगा। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि ये शुगर इसमें घुल जाएगी, लेकिन घुलने के बाद इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। पहले भी वाटर था और उसके पहले शुगर थी, घुलने के बाद भी ये शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, उसमें वाटर होगा और शुगर होगा। इसमें भी लिखा है नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म, इसमें कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनेगा, ये अब भी शुगर सॉल्यूशन है, यानी शुगर प्लस वाटर, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। इसी को बोला जाता है फिजिकल चेंज। बात समझ में आ रही, फिजिकल चेंज समझ में आ गया, कोई नया केमिकल सब्सटेंसेस नहीं बनता है, जो पहले था वो ही फॉर्मूला रहेगा। पहले आइस थी, वाटर बन गए, दोनों का फॉर्मूला H2O है, नो चेंज। ये हुआ हमारा फिजिकल चेंज। अब मैं आपको समझाता हूँ केमिकल चेंज क्या है, जरा इसको समझिए। देखिए सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपनी नेचर चेंज हो जाता है उसका और वह अपनी आइडेंटिटी खो देता है।
एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस, और एक नया पदार्थ बन जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है, और उसके विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, जो प्रॉपर्टी पहले थी यानी ओरिजिनल सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी अब नहीं रहती है, इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। इसको हम कैसे समझेंगे, तो केमिकल चेंज को भी मैं आपको अभी करके बताता हूं। इसमें एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, जो सब्सटेंस पहले था वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी और एक नया केमिकल सब्सटेंस बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कुछ कोयले के टुकड़े हैं, देख लीजिए ये कुछ कोयले के टुकड़े हैं, इन कोयला का जो फॉर्मूला है, कोयला माने कार्बन है, ओके ये कार्बन है, आप इसको देख लीजिए ये कार्बन है। अगर मैं इस कोयले को जला दूं तो ये कोयला, पहले तो फॉर्मूला कार्बन था और रिएक्शन करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको जला दूं, देखिए आप ये धीरे धीरे जलेगा, देखिए ये मैंने इसको जला दिया, देखिए ये जला दिया, ये जल रहा है धीरे धीरे, इसमें थोड़ा सा मैं ये देखिए ये जल रहा है, जलने लगा, ये कोयला जल रहा है आपको दिख रहा होगा। तो ये कोयला जलने के बाद काय में कन्वर्ट हो जाता है, ये जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, पहले सी था, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, एक नया केमिकल सब्सटेंस बन गया, इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ये मोम है यानी ये वैक्स है, वैक्स यानी मोमबत्ती आप घर में देखते होंगे, अगर मैं इस मोम को वर्न कर दूं, देखिए ये मोम को मैं वर्न कर रहा हूं, ये जला देता हूं, देखिए ये मोम को जला देता हूं। अब ये मोम जलने के बाद क्या हुई, पहले वैक्स है लेकिन ये जलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यानी ये एक नया केमिकल सब्सटेंस बन गया। मोम काय में कन्वर्ट हो रहा है, जल के खत्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के इससे निकल जाएगी, इसी को भी कहेंगे केमिकल चेंज। ये आपके इन दो एग्जाम्पलों से आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं इन दो एग्जाम्पल के बाद, मैं पहले इसको हटा देता हूं। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कैसे होता है, मैं आपको दोबारा से फिर बता देता हूं। फिजिकल चेंज क्या है, सच प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस, एक कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे ये थ्री एग्जांपल से समझ लीजिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, अभी आपको एग्जांपल समझाया था, आइस पिघलने के बाद वाटर में कन्वर्ट होती है और आइस का फॉर्मूला भी H2O होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को उबलने दीजिए आप किसी भी उस पर गैस पर रख दीजिए और वाटर को उबलने दीजिए तो उसकी वेपर्स बन के वायुमंडल में चली जाएंगी, जो वेपर होंगी उसका फॉर्मूला भी H2O होगा और सॉलिड के फॉर्म में भी वाटर का फॉर्मूला H2O होगा और लिक्विड फॉर्म में भी फॉर्मूला H2O होगा। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, नो केमिकल रिएक्शन। डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अभी आपको सिखाया था कि पानी में शुगर को घोल दीजिए, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, नो केमिकल चेंज, इसे कहते हैं फिजिकल चेंज, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो केमिकल चेंज होगा तब केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन में फिर दोबारा से बता रहा हूं, सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेज लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी, उसका केमिकल चेंज हो जाता है टोटल, उसे फिर से हम ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल नेचर द्वारा, यह भी इसकी पहचान है। आगे लिख रहा है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टी भी बदल जाती है, कॉल्ड केमिकल चेंजेज। ये कौन कौन से होते हैं केमिकल चेंजेज, आपको दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, देखिए यहां ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर वन, रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, केमिकल चेंज हुआ, ऑक्सीजन लिया, केमिकल चेंज हुआ और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, दैट इज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, अभी आपको मैंने कैंडल जला के बताई, कैंडल जल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। डाइजेशन, हम भोजन करते हैं और भोजन ब्रेक होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के टूटने से तमाम तरीके के सब्सटेंस जो मिलेंगे वो हमारे बॉडी में यूज होते हैं और तमाम तरीके के ब्रेक होकर के, ब्रेक डाउन होकर के प्रोटीन हैं, सारे न्यूट्रिशंस हैं वो हमें भोजन से मिलते हैं, तो पूरा का पूरा केमिकल चेंज हो जाता है, ये होता है डाइजेशन। बर्निंग ऑफ फ्यूल, पेट्रोल जलाइए तो पेट्रोल, कैश केरोसिन, डीजल, LPG,
ये अलग चीज़ है और जलने के बाद काय में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी केमिकल चेंज हो गया। वर्निंग ऑफ कोक, कार्बन को जलाओ, ये भी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस में। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो आपने देखा ही हुआ, लोहे में जंग लगना, लोहे का फार्मूला होता है आयरन Fe, और जंग लगने के बाद अब वो Fe काय में कन्वर्ट हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में, जिसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3। हमें फार्मूला जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए आयरन में जंग लगने के बाद जंग वाला जो पदार्थ है वो ओरिजिनल पदार्थ नहीं होता है, दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे 6 एग्जाम्पल हैं, इनके आधार पर हम कहेंगे ये केमिकल चेंज, और ये 3 एग्जाम्पल हैं हमारा है फिजिकल चेंज। तो जब फिजिकल चेंज हमारे समझ में आ गया, केमिकल चेंज समझ में आ गया, तो फिर केमिकल चेंज के आधार पर हम फिर केमिकल रिएक्शन की क्या डेफिनेशन देंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड अ केमिकल चेंज, ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है उसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। इतनी सरल सी डेफिनेशन है, दोबारा सुन लीजिएगा, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो। फिजिकल चेंज करने को या फिजिकल चेंज होने को हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते, उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे, लेकिन केमिकल चेंज होगा उसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और ये रिएक्शंस आपके कोर्सेज की रिएक्शन है, आप बस इनको याद करिए, ये सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, इन एग्जांपल्स को दीजिए, ये डेफिनेशन दीजिए, आपका समझ में आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। सो बच्चों थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।